कुछ लोग जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग आने के लिए जा रहे हो और कुछ लोग जाने के लिए जा रहे हो। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया, एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण। आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं। आदरणीय सभापति जी, हर दो वर्ष के बाद इस सदन में इस प्रकार का प्रसंग आता है, लेकिन ये सदन निरंतरता का प्रतीक है। लोकसभा 5 साल के बाद नए रंग रूप के साथ सज जाती है। ये सदन हर दो वर्ष के बाद एक नई प्राण शक्ति प्राप्त करता है, एक नई ऊर्जा प्राप्त करता है, एक नए उमंग और उत्साह का वातावरण भर देता है। और इसलिए हर 2 साल में जो होने वाली विदाई है वो विदाई एक प्रकार से विदाई नहीं होती है, वो ऐसी स्मृतियों को यहां छोड़ करके जाते हैं जो स्मृतियां आने वाली जो नई बैच होती है उनके लिए ये अनमोल विरासत होती है, जिस विरासत को वो यहां अपने कार्यकाल के दरमियान और अधिक मूल्यवान बनाने का प्रयास करते हैं। जो आदरणीय सांसदगण अपने कुछ लोग जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग आने के लिए जा रहे हो और कुछ लोग जाने के लिए जा रहे हो, मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकसी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा
कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है, अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहे। आदरणीय सभापति जी, जो हमारे साथी नए दायित्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस सीमित विस्तार से एक बड़े विस्तार की तरफ जा रहे हैं, राज्यसभा से निकल करके जनसभा में जा रहे हैं, तो मैं मानता हूं उनका साथ, यहां का अनुभव, इतने बड़े मंच पर जा रहे हैं तब देश के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी बनकर के निकलेगा। किसी यूनिवर्सिटी में भी 3-4 साल के बाद एक नया व्यक्तित्व तो बाहर निकलता है, ये तो 6 साल की विविधताओं से भरी हुई है, अनुभव से घड़ी हुई एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां 6 साल रहने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा निखर करके निकलता है, ऐसा तेजस्वी बन करके जाता है, वो जहां भी रहता है, जिस भूमिका से रहता है, वो अवश्य हमारे कार्य को अधिक ताकतवर बनाएगा, राष्ट्र के काम को गति देने का सामर्थ्य देगा। ये जो माननीय सांसद जा रहे हैं, एक प्रकार से वो वैसे ग्रुप है जिनको दोनों सदन में रहने का, पुराने वाले सांसद के भवन में भी और नए वाले सांसद के भवन में भी उनको रहने का अवसर मिला। ये साथी जा रहे हैं वो आजादी के 75 वर्ष अमृत काल का, उसके नेतृत्व का साक्षी बनकर के जा रहे हैं, और ये साथी जो जा रहे हैं हमारे संविधान के 75 साल, उसकी भी शोभा बढ़ाते हुए आज हम सबको के साथ जा रहे हैं, तो अनेक स्मृतियां लेकर के जा रहे हैं। हम वो दिन भूल नहीं सकते कि कोविड के कठिन कालखंड में हम सब ने परिस्थितियों को समझा, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को घड़ा, यहां बैठने के लिए कहा तो यहां बैठो, वहां बैठने के लिए कहा तो वहां बैठो, उस कमरे में बैठने के लिए कहो, किसी भी दल के किसी भी सांसद ने ऐसे विषयों को लेकर के देश के काम को रुकने नहीं दिया। और कोरोना के वो कालखंड जीवन और मौत का खेल था, घर से बाहर निकले पता नहीं क्या होगा, उसके बाद भी माननीय सांसदों ने सदन में आकर के देश की जिम्मेवारियों को निभाया, देश को आगे बढ़ाया, और इसलिए मैं समझता हूं उस कालखंड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। संकटों के बीच भी भारत की संसद में बैठे हुए व्यक्ति कितने बड़े दायित्व को निभाने के लिए कितना बड़ा रिस्क भी लेते हैं,
और कितनी कठिनाइयों के बीच में काम भी करते हैं, इसका अनुभव भी हमें हुआ। सदन में खट्टे मीठे अनुभव भी रहे। हमारा कुछ दुखद घटनाएं भी रही। कोविड के कारण हमारे कुछ साथी हमें छोड़ के चले गए, आज वो हमारे बीच नहीं है। वो भी सदन के इसी कालखंड के कुछ प्रतिभाएं थी जो हमारे बीच से चली गई। वो एक दुखद घटना को हमने स्वीकार करते हुए भी हम आगे बढ़ते रहे। और भी ऐसी कुछ घटना हुई, कभी कभी फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा, काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता। और मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एकाध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नज़र लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर रख जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है, तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय सभापति जी, ये विषय को लंबे समय लंबा बोलने का तो है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बहुत बढ़िया बात कही गई है, शायद हमारे सब साथी जा रहे हैं तो जो कमी भी हमें महसूस होगी उनकी, क्योंकि उनके विचारों का लाभ जो आ जाएंगे वापस वो तो और तेज तरार होकर के आएंगे। जिसको हमला करना है वो भी मज़ेदार हमले करेंगे, और जिसको रक्षा कवच करना बनाना है वो भी बढ़िया बनाएंगे, वो अपना काम चलता रहेगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य समुद्र मासाद्वय भवन्तय पेया। उसका मतलब है गुण, गुणी लोगों के बीच रहकर गुण होते हैं, जो गुणी लोगों के बीच रहने का मौका मिला तो उनके साथ रहने से हमारे भी गुणों में बढ़ोतरी होती है। निर्गुण को प्राप्त करके वो दोष युक्त हो जाते हैं। अगर गुणियों के बीच में बैठते हैं तो गुण तो बढ़ जाता है, लेकिन गुण ही नहीं है तो दोष बढ़ जाते हैं। और आगे कहा है, नदियों का जल तभी तक पीने योग्य होता है जब वो बहता रहता है। सदन में भी हर 2 साल के बाद नया प्रवाह आता है, और जब तक बहता रहता है, लेकिन नदी कितनी ही मीठी क्यों ना हो, पानी कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही समुद्र से मिल जाती है
वो किसी काम की रहती नहीं है, उसमें दोष आ जाते हैं, दोष युक्त हो जाते हैं। और इसलिए समुद्र को प्राप्त करने के बाद पीने योग्य नहीं रहता। मैं समझता हूँ ये संदेश हर एक के जीवन में प्रेरक रहेगा। इसी भावना के साथ जो साथी समाज जीवन के एक बहुत बड़े फलक पर जा रहे हैं, इस जीवंत यूनिवर्सिटी से अनुभव प्राप्त करके जा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका कर्तृत्व राष्ट्र के काम आएगा, नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। मैं सभी साथियों को हृदय से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।